हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों डॉक्टर जी का ट्रेलर आ गया है और यहाँ जी माने जीनियस नहीं है, ना ही जी माने ग्लूकोज है और ना ही जी माने इज्जत वाला जी है। यहाँ पर जी माने है गायनोकोलॉजिस्ट। बहुत मुश्किल से बोलना सीखा था गायनोकोलॉजिस्ट। देखिए जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि गायनोकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि महिलाओं से रिलेटेड रोगों का इलाज करते हैं। हाँ जी, यही काम कर रहे हैं इस मूवी में आयुष्मान खुराना। लेकिन ट्रेलर का रिव्यू करने से पहले मैं चाहता हूं कि गुस्ताख इंडियन को लाइक कर लीजिए और थोड़ा सा हमारा जो मोटिवेशन है उसको हाई कीजिए, गुस्ताख इंडियन को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अभिषेक आपके साथ, आप देख रहे हैं गुस्ताख इंडियन। डॉक्टर जी का ट्रेलर आ गया है। डॉक्टर जी के ट्रेलर में एक बार फिर से आयुष्मान खुराना समाज का टैबू तोड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसको डायरेक्शन दे रही है अनुराग कश्यप की छोटी बहन अनुभूति कश्यप। इस मूवी में एक लड़का है जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। डॉक्टरी की पढ़ाई में वो करना चाहता है ऑर्थोपेडिक की। ऑर्थोपेडिक यानी कि वो डॉक्टर जो कि हड्डियों का इलाज करते हैं। हड्डियों का इलाज वो नहीं, जो हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं ना वही। लेकिन समाज, सोसाइटी और जो उसकी रैंकिंग वगैरह होती होगी डॉक्टरी की, वो उसको गायनोकोलॉजिस्ट बनाना चाहते हैं। वो डॉक्टर जो कि महिलाओं का इलाज करता है। आप सोचिए, महिलाओं का इलाज कर रहा है वो भी मेल डॉक्टर, थोड़ा सा ग्रेट कॉम्बिनेशन। जैसे कि दही बल्ले के अंदर रसगुल्ला खुद को अनफिट महसूस करता है, इस मूवी में भी हर बार की तरह आयुष्मान खुद को अपनी करंट सिचुएशन में अनफिट महसूस कर रहे हैं। ट्रेलर में साथ में दिख रही है रकुल परीत। रकुल परीत का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पापड़ वाला रोल है, जैसे कि शाम को खाने के टाइम पर अगर पापड़ हो या ना हो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा ही लग रहा है कि इनको साथ में आयुष्मान खुराना के आसपास जो अच्छे अदाकार सजाए जाते हैं उनमें हैं शिवा चड्ढा, शिवाली शाह और रकुल प्रीत। मैं बोलने वाला था लेकिन रकुल प्रीत इज वेरी गुड। रकुल प्रीत का भी अच्छा है यार, मतलब मैं ज्यादा कुछ कमेंट करूंगा नहीं। इस मूवी से मुझे लग रहा है कि आयुष्मान खुराना अपने जो पुरानी ऑडियंस होती थी उनकी, जो हंसी ठिठोले वाली कॉमेडी लाइट हार्टेड फैमिली मूवीज देखने वाली ऑडियंस है, उनको वापस लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अनेक जैसी सीरियस मूवी करके उनका ज्यादा कुछ ऐसा बना नहीं। तो आयुष्मान खुराना की इस मूवी को मैं तो देखने जाऊंगा टाइम पास के लिए, अच्छा लग रहा है। और वो तो होना ही है कि लास्ट के 15 मिनट में आयुष्मान खुराना एक मैसेज देंगे जिस पे हम सब ताली बजाएंगे, मीनिंगफुल बात होगी, वो हो जाए, बाकी क्या चाहिए दोस्तों। एक चीज और लग रही है कि इस मूवी से बॉलीवुड का जो बिल्कुल डाउनफॉल है वो, देखिए ऐसा ऊपर तो नहीं जाएगा पर एवरेज तो आ ही जाएगा, मतलब हिट तो हो ही जाएगी आयुष्मान की पिक्चर, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। पर आपको कैसा लग रहा है ट्रेलर देख के प्लीज ये बताएं। और एक छोटा सा काम हुआ कर दे, देखिए मेरी वीडियो के नीचे ना यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन का बटन, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आ रहा है ना, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्रिप्शन बटन। अभिषेक साइनिंग ऑफ। डॉक्टर जी का ट्रेलर कैसा लगा मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और क्या इससे बॉलीवुड का बुरा टाइम खत्म हो जाएगा ये भी जरूर बताना भाई साहब, अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे।